कि मामचारी में जितने भी रणु हैं उनकी लिस्ट मेरे को दे देना, महुआ की तरफ से शादी करा। बाबा किरोड़ी लाल मीणा जो कभी युवाओं के आवाज बनने का बीड़ा उठाते हैं, कभी वीरांगनाओं के दर्द की दवा बनकर सरकार से जवाब मांगते हैं, तो कभी पेपर लीक जैसे मुद्दे पर जमकर हमला बोलते हैं। बाबा हर बार अपने अलग अंदाज में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार बाबा का नया अंदाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बाबा ने कुंवारों की शादी करने का बीड़ा जो उठा डाला है। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना तो आप खुद ही सुन लीजिए। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को करौली पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के द्वारा आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान बाबा कहते हैं कि मैं मामचारी के लिए एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं। यहां जितने भी कुंवारे बैठे हैं उन सबकी लिस्ट मुझे दीजिए, मैं मेरे क्षेत्र महुआ से सभी की शादी करवा दूंगा। कि मामचारी में जितने भी रणु हैं उनकी लिस्ट मेरे को दे देना, महुआ की तरफ से शादी करा। क्योंकि ये अटल जी की तरह अखंड ब्रह्मचारी रहा है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि यादराम अभी जिंदा है। यादराम का मतलब भगवान को याद करके राम का नाम लेके आपके सच्चाई से घट में राम को बैठा कर वोट डालना है। मैंने देखा दो जगह के लोग, सारे नहीं, कुछ लोग पैसे में बिक जाते। पैसा ले लेते हैं। इसी के साथ बाबा यानी कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने क्षेत्रीय विधायक और राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा का नाम लिए बगैर उन पर भी जमकर सियासी हमला बोला। कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर लोग लूटने में लगे हैं, जिसमें मंत्री के भाई, मंत्री के दामाद, मंत्री के बहनोई, मंत्री की बहन सब के सब लूटने में लगे हैं। इन्होंने पूरे राजस्थान को ही लूट लिया है। आप संघर्ष करो, दीनहीन गरीब के लिए करो, यह नेता लूटते हैं। मैं बताना नहीं चाहता मंत्री जी के भाई, मंत्री जी के दामाद, मंत्री जी के बहनोई, मंत्री जी की बहन सब लूटने में लगे हुए हैं और पूरा राजस्थान लूट डाला। आपने भी देखा होगा ये जो खाने चल रही है पूरे राजस्थान में, मैंने घोटाला उजागर किया है, 66,000 करोड़ का घोटाला गहलोत के इस राज्य में हुआ है, 66,000 करोड़। और गहलोत भाषण देकर कहता है मोदी जी ईआरसीपी को पूरा नहीं करना चाहते, गहलोत साहब उसमें तो 37,000 करोड़ रुपए लगेंगे, आपने तो 66,000 करोड़ का घोटाला कर डाला, अगर आधा भी बचाते तो मेरे मामचारी को चंबल का पानी मिल जाता, प्यासा रखने की जिम्मेदारी। बाबा यहीं पर नहीं रुकते हैं, बाबा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर सियासी हमला करते हैं। बाबा कहते हैं कि पूरे राजस्थान में जितनी भी खाने चल रही है उसमें गहलोत सरकार के राज में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और इसी को लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से अशोक गहलोत सरकार के अपने ही मंत्री पर यानी कि प्रमोद जैन भाया पर उनकी ही सरकार के लोग किस तरह से जमकर सियासी हमला बोलते हैं। बाबा कहते हैं तकरीबन 66,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। डॉक्टर मीणा ने सीएम अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मोदी जी ईआरसीपी को लागू करने में सहयोग नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो लगभग 66,000 करोड़ का घोटाला किया है उसमें से अगर आधा भी बचाते तो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट केवल 37,000 करोड़ का है, उससे चंबल का पानी मामचारी बांध में पहुँच जाता। तो वही बाबा ने इस दौरान सपोटरा विधानसभा चुनाव की हार पर भी अपनी बात कही और बाबा का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि जब मैं संघर्ष करने आया तो यहाँ पर लोगों ने मेरा साथ ही नहीं दिया, लेकिन अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा
राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इन चुनावों में बाबा को आखिरकार किसका साथ मिल पाता है। राजस्थान तक के लिए करौली से गोपाल माली की रिपोर्ट।